दोस्तों, हरियाणा पुलिस SI भर्ती के ऊपर जो केस हुआ था उसको लेकर अभी अभी हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस ऑर्डर जारी किया गया है, उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं फीमेल कांस्टेबल वाले केस की। इसके अंदर एक लक्ष्मी ने केस किया था और एक पूजा देवी ने केस किया था। तो लक्ष्मी और पूजा देवी दोनों के केस सेम थे, इसलिए उनको एक साथ ज्वाइंट कर दिया गया है और ये ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस ऑफ मोशन ये भेज दिया गया है HSC को। अब इस केस की अगली सुनवाई 14/10/2021 को है, जिसके अंदर मिस्टर हरीश नैन है वो इस पर अपना जवाब तलब करेंगे। अपना जवाब वो HSC की तरफ से जो जवाब होगा वो यहाँ पर देंगे और कोर्ट को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं SI मेल वाली भर्ती के केस के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं रौनक एंड अदर का ये केस था। इसके अंदर भी नोटिस ऑफ मोशन HSC को नोटिस भेज दिया गया है और इनके एडवोकेट हरीश नैन थे जिन्होंने इसके लिए टाइम मांगा है रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। जो भी रिपोर्ट होगी यानी कि जो अपना जवाब होगा HSC की तरफ से वो दिया जाएगा कोर्ट के अंदर 17/11/2021 वाली सुनवाई के अंदर। आपको बता दें कि रौनक एंड अदर्स के द्वारा जो भी पॉइंट दिए गए होंगे इस केस के अंदर, अगर उन पॉइंट को क्लियर नहीं कर पाई HSC और उनका अच्छे से जवाब नहीं दे पाई तो हो सकता है कि इस भर्ती पर रोक लग जाए और अगला जो फाइनल रिजल्ट है उस पर तो रोक लगने की संभावना सबसे ज़्यादा बनी हुई है। अब देखना यह है कि अगली सुनवाई के अंदर HSC कोर्ट को सेटिस्फाई कर पाती है या नहीं, अपना संतोषजनक जवाब दे पाती है या नहीं। अगर संतोषजनक जवाब नहीं रहता है तो इस भर्ती पर रोक लगेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतनी ही अपडेट थी। लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हम करते हैं मुद्दे की बात बिना बकवास। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।